बैठ जाओ। मेरा चेक। ये पेपर्स भी अच्छी तरह देख लो ताकि फिर मैं जाऊं। इसमें कहीं भी मेंशन नहीं हुआ होगा कि इसके बाद हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, क्योंकि मैं अपना और तुम्हारा नाम किसी भी कागज पर लिखकर हमारे ताल्लुक को साबित नहीं करना चाहता। तुम्हारा मेरा रिश्ता नहीं है। रिश्ता तो है, अब तुम मानो या ना मानो। घबराओ नहीं, वेटर होगा, चाय मंगवाई थी, सोचा तुम काफी घबराए हुए होगे तो चाय पिला दूंगी। प्लीज कम। यहां रख दीजिए प्लीज, अभी मुझे दे। थैंक यू। थैंक यू। चाय तो पी के ही जाओ। मैं यहाँ किसी दावत पर नहीं आया, जल्दी से पेपर्स देखो ताकि मैं जाऊँ। ताल्लुक खत्म हो रहा है हमारा, एक कप चाय तो पी सकते हो मेरे साथ। मेरे साथ फजूल की बकवास मत करो, समझे तुम? उससे मैं आज भी उतना ही अच्छी लगती हूँ। एक कप चाय प्लीज। चली जाऊंगी हमेशा के लिए इस मुल्क से बाहर। मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। एक कप चाय बस, छोड़ो मुझे। ये देखो अरबाज तुम्हारा भाई मुझे यहाँ जबरदस्ती ले आया। मैं मना भी कर रही थी फिर भी। अरबाज, पा रही तकदीर भी हमेशा तुम्हारा साथ देती है।
चेक भी मिल गया और शरायत नामा भी तुम्हारे पास है। अब शहबाज कैसे साबित करेगा कि ये चेक उसने मुझे किस पर्पस के लिए दिया है? अरबाज, अरबाज मेरी बात तो सुनो। अरबाज क्या? नहीं सुनना मुझे, कुछ भी, कुछ नहीं समझना मुझे। अरबाज, अरबाज तुम्हें गलत फहमी हो रही है। नहीं हुई है मुझे गलत फहमी कोई भी। आपके और फारिया के बारे में मुझे गलत फहमी थी जो कि अब दूर हो गई है। हर बात से पर्दा उठ गया और मैं सब जान गया हूँ भाई। अब देखो अरबाज, जो तुमने देखा वो सच नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसने मुझे ट्रैप किया था। मैं तुम्हें सारी बात बता सकता हूँ, तुम समझो तो सही। नहीं समझ रहे मुझे कुछ भी, क्या समझूं मैं? अरबाज होश में, अरबाज होश में नहीं है भाई। आपने ये होश में, आपने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि वो लड़की मेरी बीवी है, आपके भाई की बीवी है। जो शर्म आती है आप पे। ये क्या हो रहा है, को मुझे बताएगा? बाबा मैं बताता हूँ ना आपको, मैं बताता हूँ। अरबाज को मेरे बारे में बहुत बहुत बड़ी गलत फहमी हो रही है बस, और कोई बात नहीं, मैं सारी बात समझा सकता हूँ आप लोगों को। कोई गलत फहमी नहीं हुई है मुझे, अपनी नजरों से सब देख कर आ रहा हूँ बाबा, और बहुत दिन से मैं इन दोनों को वॉच कर रहा था भाई। आप मेरे बड़े भाई हैं इसलिए मैं आपका लिहाज कर रहा था, बस एक सबूत का इंतजार था मुझे, और मुझे आज मिल गया वो। बंद करो ये बहस, मुझे साफ साफ बताओ बात क्या है। बाबा मैं बताता हूँ ना आपको। अरे ये क्या बताएंगे, मैं बताता हूँ ना, यही ना कि आप होटल के रूम में थे फारिया के साथ। अरबाज मेरे भाई ठंडे दिमाग से सोचो, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो। मैं ऐसा नहीं हूँ ना। आप सही कह रहे, मैं जैसा समझता था आपको आप बिल्कुल वैसे नहीं। मैं आपको अपना बड़ा भाई समझता था भाई, बड़े भाई से ज्यादा मेरे दोस्त थे, लेकिन आपने सारे रिश्ते आज तोड़ दिए भाई। मैं आपसे मोहब्बत करता था, आपकी इज्जत करता था, लेकिन आज मैंने जो अपनी नजरों से देखा है, मैं अपनी नजरों में गिर गया। ये सब क्या हो रहा है, कोई मुझे भी तो बताओ। दादी मैं आपको बताता हूँ, आपको तो मेरी बात पर भरोसा है ना, आप तो जानती हैं मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता। अरबाज को एक बहुत बड़ी गलत फहमी हो रही है बस, और कुछ कोई गलत फहमी नहीं हुई मुझे दादी। मैंने जो अपनी नजरों से देखा है, मैं सोच भी नहीं सकता था बस। बंद करो अपनी ये बहस, मुझे साफ साफ बताओ बात हुई क्या है। बाबा मैं बताता हूँ आपको कि बात क्या है। तुम चुप रहो, तुम अपनी बात मुकम्मल करो। बाबा मैं बताता हूँ आपको, कई दिन से मैं इन दोनों को वॉच कर रहा था। हाथ छोड़ो मेरा, क्या कर रहे हो? क्या क्या हो रहा है? अपने भाई से पूछो। ये सच है कि मैं उस होटल के रूम में था और फारिया भी वहीं पर थी, लेकिन कोई मुझसे वजह तो पूछे, कोई पूछे तो सही कि किस वजह से मैं वहां पर था। मैं बताने के लिए तैयार हूं। वजह मैं बताती हूं। शहबाज चाहता है कि मैं अरबाज से तलाक लूं और दोबारा से इससे शादी करूं।
दोबारा से शादी? नहीं फजूल बकवास बंद करो फारिया। अब तुम मुझे सच बोलने से नहीं रोक सकते। आप सब सुन, शहबाज ने 4 साल पहले मुझसे निकाह किया, मुझे इस्लामाबाद में रखा और उसके बाद एक दिन बिना बताए मुझे तलाकनामा भेज दिया। भाई क्या कह रही है? ये फजूल बकवास कर रही है, बकवास मत करो फारिया। बकवास नहीं, ये हकीकत है और इसका सबूत ये चेक है। और ये इसने मुझे इसलिए दिया था ताकि मैं अरबाज से तलाक लूं, इससे दोबारा से शादी करूं और किसी दूसरे शहर में रहूं। ये देख सकते हैं आप। हाँ ये सच, ये सच है कि मैंने फारिया को ये चेक दिया था, लेकिन मैं चाहता था कि वो अरबाज की जिंदगी से निकल जाए बस। और ये भी सच है कि तुमने इससे शादी की और फिर तलाक दी और अब दोबारा शादी करना चाह रहे हो? जी ये सच है। ये सच है कि मैंने फारिया से शादी की, लेकिन यह सबसे बड़ा झूठ है कि मैं इससे दोबारा शादी करना चाहता हूं, क्योंकि जैसे इसकी असलियत मेरे सामने खुली थी मैंने इसे तलाक दे दी थी और उस दिन के बाद से मैं इस औरत की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और आज भी जो कुछ किया मैंने 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 अपने भाई की जिंदगी बचाने के लिए किया, क्योंकि मैं चाहता था कि यह बेगैरत औरत मेरे भाई की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। शट अप शहबाज, तुमने मुझे बहुत मायूस किया। कितना मान था तुम, तुमने क्या किया शहबाज? वो गलत लग रहा है, तो गलत समझ रहे हैं बाबा। बाबा एक बार मेरी बात सुनिए। हम यहाँ आपको अच्छी तरह जानते हैं, आप जानती हैं ना कि इस औरत ने हमें कितना टॉर्चर किया, आप जानती हैं इसकी साजिशों को, इसके खेलों को। आप तो मेरी बात का यकीन करें, आप तो यकीन करें कि मैं सच बोल रहा हूं। अम्मी प्लीज, हम आपको क्या समझता था भाई, और अब क्या निकला? रिश्ते के तकद्दस को ही पामाल कर दिया आपने। ऐसा कुछ नहीं है यार पास, ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम्हारे घर में इतनी परेशानी थी तो तुम्हें यार रात को नहीं रुकना चाहिए था ना। तो क्या करती, डैडी को इस हाल में छोड़ के चली जाती? वो ठीक हैं बिल्कुल अब, लेकिन तुम्हें इस तरह से इस वक्त में शहबाज को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। याद है ना तुम्हारे पापा ने क्या समझाया था कि शहबाज का साथ कभी नहीं छोड़ना, फिर भी तुम उसे परेशानी में अकेला छोड़े। अब ठीक कह रही है मम्मी, अब तो मुझे भी टेंशन होने लगी है। शहबाज का फोन बन जा रहा है, घर में भी कोई फोन नहीं उठा रहा, हर दिन कोई ना कोई तमाशा होता है वहाँ पे। पता नहीं फारिया ने अब क्या किया होगा। बस अब तुमने ये करना है कि सुबह उठते ही सबसे पहले घर जाओ।
आपने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि वो लड़की मेरी बीवी है, आपके भाई की बीवी है। जो शर्म आती है भाई, वो आप मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए मैं आपका लिहाज कर रहा था। बस एक सबूत का इंतजार था मुझे, और मुझे आज मिल गया। तुमने मुझे बहुत मायूस किया। कितना मान था तुम, तुमने क्या किया शहबाज? आप लोगों को गलत लग रहा है, आप लोग गलत समझ रहे हैं बाबा। बाबा एक बार मेरी बात तो सुनिए। आप तो मेरी बात का यकीन करें, आप तो यकीन करें कि मैं सच बोल रहा हूं। अम्मी प्लीज, आपको क्या समझता था भाई, और आप क्या निकले? रिश्ते के तकद्दस को ही पामाल कर दिया आपने। अम्मा कैसी? ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, दवाई दे दी मैंने उन्हें। अलीजे और राफिया हैं उनके पास। सोच भी नहीं सकता था कि शहबाज ऐसा करे। वो तो हमारा सबसे अच्छा, सबसे समझदार बच्चा था। मैं अभी भी आपसे कहती हूँ कि शहबाज ने कुछ नहीं किया, उस मक्कार और बदफितरत लड़की की चाल है। अपनी आंखों से सब कुछ देखने के बावजूद तुम ऐसा कह रही हो? क्या देख लिया बताए मुझे, क्या देख लिया ऐसा? वो तो खुद कह रहा है कि मैं अरबाज की तलाक की वजह से उसके पास चेक लेकर गया था। और वो शादी? जो सच था वो उसने बता दिया। और इंसान से गलती हो जाया करती है, और नौजवानों से तो अक्सर गलतियां हो जाया करती हैं जब उनके सामने एक हसीन नागन हो जिसके जहर से वो बच नहीं सकता हो। मैं अभी भी आपसे कह रही हूँ कि सारा किया धरा उस लड़की का ही है। मेरे मासूम बच्चे को उसने फंसाया, और अरबाज को भी उसी ने फंसाया। शहबाज कोई बच्चा नहीं है जो फारिया की बातों में आके उसे शादी कर डाले। अच्छा खासा समझदार पढ़ा लिखा लड़का, और ये कोई छोटी बात नहीं आता। वो मेरी औलाद है और मैंने उसकी तरबियत की है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। अच्छा, चेक देने के लिए होटल के कमरे में जाने की क्या जरूरत थी? बताओ, बंद कमरे में तन्हाई में चेक देने गया था उसे, इस बात की कैसे वकालत करोगी तुम? करूंगी मैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि शहबाज खुद वहां पर नहीं गया होगा। उसी ने किसी बहाने से उसे वहां बुलाया होगा। खराबी लड़की में है, उसने मेरे दोनों बेटों को डसा है। बाजी, बाजी, वो अरबाज बाबू अपने कमरे में बेहोश पड़े हैं। क्या हा? क्या हुआ है जरीना? अरबाज, 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 क्या हुआ? अरबाज, 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 पानी लेकर एम्बुलेंस को फोन करो पहले। लाखों रुपए के इस चेक और करोड़ों रुपए के इस घर के मालिक बनने से ज्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि आज तुम अपने घर वालों के सामने बिल्कुल उसी तरह जलील हुए जैसे कभी तुमने मुझे अपने घर से निकाला था और फिर मुझे पूरी दुनिया के सामने जलील किया था। मुझे दुनिया में आज तक कोई भी शिकस्त नहीं दे सका है। शहबाज, तुम्हारी तो औकात ही क्या है? देख लिया ना तुमने फारिया से टकराने का अंजाम। आपको मुझे बताना चाहिए था, मैं वहां पे आके फारिया की चालबाजियों के बारे में सबको सच बताती।
सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मेरा तो दिमाग ही मऊफ हो गया था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बस सिर्फ इतना साबित करना चाह रहा था कि मैं बेकसूर बेगुनाह हूं। फारिया की मक्कारियां, उसकी चालाकियां सबके सामने लाना चाह रहा था। किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। अगर वो लोग मेरी बात सुनेंगे, क्योंकि मैं आपकी बीवी हूं और बीवी तो शौहर की राजदार होती है, गमसार होती है। उसने अरबाज को जिस तरह से फंसाया है, यकीनन आपको भी उसी तरह से शीशे में उतारा होगा। आप बहुत अच्छी हो, दिल की बहुत साफ। फारिया की मक्कारियों का मुकाबला नहीं कर सकते। क्या वाकई मेरे घर वालों को मुझ पर यकीन आ जाएगा? क्यों नहीं, बिल्कुल आएगा। मैं आपकी बीवी हूं और मुझे आप पे यकीन है। इस तरह के मामलात में सबसे पहले तो बीवी को शक होता है और वो शोहर से बदगुमान होती है। लेकिन मैं तो आपके माजी के बारे में सब कुछ जानती हूं ना, और फारिया मुझे झुटला नहीं सकती। आप चलें मेरे साथ, मैं चलती हूँ आपके साथ। उठे आप, उठे ना। आप जानती हो कुदरत का अनमोल तोहफा हुआ आप मेरे लिए। हेलो भाईजान, आप कहाँ पर हैं? मैं मलिया की तरफ, क्या हुआ? भाईजान, भाइयों को हॉस्पिटल लेकर गए हैं अम्मी और बाबा। क्या? उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी, आप प्लीज जल्दी से चले जाएं। तुम घबराओ नहीं, मैं फौरन जा रहा हूँ हॉस्पिटल। क्या हुआ? अरबाज की तबीयत बहुत खराब हो गई। आप रुके, मैं आपके साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, आप नहीं जाओ, आपका जाना मुनासिब नहीं होगा। मैं आपको खुद लेने के लिए आ जाऊंगा। आप बस यहाँ पर बास के लिए दुआ करो और मेरे लिए भी। हाँ डॉक्टर साहब, होश आया? अभी तक अनकॉन्शियस में है। कोई खतरे की बात तो नहीं है डॉक्टर? लास्ट वीक के चेकअप में तो वो बिल्कुल बेहतरीन था। अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो एकदम बिल्कुल डिप्रेशन का शिकार हो चुका है? वो बीवी से कोई बहस हो गई थी डॉक्टर साहब। यकीनन कोई बड़ी बात हुई होगी डॉक्टर, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, ये तो टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। आप हौसला करें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसा है अरबाज, कैसी तबीयत है उसकी? कैसा होगा, तुमने उसे ठीक होने के काबिल छोड़ा ही कहा? जानता हूं आप बहुत गुस्से में हैं बाबा, लेकिन आप अपना गुस्सा बाद में निकाल लीजिएगा। अभी प्लीज मुझे ये बता दीजिए अरबाज कैसे। वो जैसा भी है मैं देख लूंगा उसे, तुम जाओ यहां से। अयाज, ये वक्त इन बातों के लिए नहीं है। तुम चुप कर जाओ, अगर तुम्हें इतनी हमदर्दी हो रही है तुम रुको इसके साथ, मैं चला आया था। नहीं बाबा, ठीक है मैं चला जाता हूं।
अरबाज को सलामत रख, उसको सेहत दे दे। अली से हॉस्पिटल से कोई फोन आया? जी फारिया बाजी, मैं आपको यही बताने आई थी। अरबाज की तबीयत कैसी है? ठीक है ना अरबाज? हाँ, आप कितनी अच्छी हैं ना, यहाँ पे भाइयों के लिए दुआएं कर रही हैं, और एक आपकी बहन है वहाँ आराम से बैठी हुई है जैसे कुछ नहीं। ऐसे नहीं कहते, देखो अब मैं भी तो इस घर का फर्द हूँ ना। हाँ बस आप ही बहुत अच्छी हैं, आप ही की थोड़ी सी नेचर डिफरेंट है मुझसे। काश ऐसा हो कि आप हमेशा के लिए इस घर की फर्द बन जाए ना, कभी कहीं भी ना जाए। दादो आपको बुला रही है, चलें? हाँ। इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा अजीज मम्मी बाबा और आप हैं। मैं आप सबकी कसम खाकर कहता हूं कि मैं बेकसूर हूं, मेरा कोई कसूर नहीं है सब। आर्या ने धोखे से मुझे होटल के कमरे में बुलाया, उसने मुझसे डील की थी अगर मैं उसे 50 लाख रुपए दे दूंगा तो वो अरबाज को तलाक दे देगी। उसने मुझसे कहा था कि वो हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चली जाएगी, और मैं सिर्फ अरबाज की जिंदगी बचाना चाहता था ताकि वो उस औरत के जाल से निकल आए। यकीन कीजिए मेरी बात का मेरा कोई कसूर नहीं था। जानती हूँ बेटा, तुमको मैंने अपने हाथों में पाला, मुझे इस बात का यकीन है कि हमारी तरबियत इतनी बुरी नहीं हो सकती। लेकिन ये सारी बातें तुमने अपने पापा से क्यों नहीं कही? क्योंकि मैं चाहता था कि उनको किसी किस्म का स्ट्रेस कोई टेंशन ना हो। बस मैं समझ रहा था कि मैं खुद हैंडल कर लूंगा सब कुछ, लेकिन उसने धोखा दिया मुझे। उसने कहा कि 25 लाख रुपया मैं अगर उस दिन उसे दे दूंगा तो तलाक के बाद बाकी 25 लाख वो मुझसे ले लेगी। बस मैं सिर्फ यही करने गया था, सिर्फ यही। दादी शहबाज भाई बिल्कुल सच बोल रहे हैं। यकीनन आप भी ने वही किया होगा जो ये कह रहे हैं। राफिया मेरा बच्चा, तुम अपनी बहन की तरफ बोलने के बजाय शहबाज का फेवर कर रही हो। मैं सच का साथ दूंगी दादी जान, मैं आप लोगों से गलत बयानी नहीं कर सकती, आप लोगों ने मुझे पनाह दी है। शहबाज भाई बिल्कुल सच कह रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। और जहां तक रही आप ही की बात, उन्हें तो कोई कभी अपने आगे नजर नहीं आया, वो सिर्फ अपना फायदा हासिल करने की आती हैं। दादी जान मैं शर्मिंदा हूँ, मेरी बहन की वजह से आप सब परेशान हैं। तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो बेटा? फारिया बहुत शातिर है, उसने झूठी सच्ची कहानियां सुनाकर पहले मुझे अपने जाल में फंसाया, उसके बातों में आके मैंने उससे निकाह कर लिया। जिस तरह उसने मुझे धोखा दिया था आज उसी तरह मेरे भाई को। तो बाबा को समझाइए, उनसे कहिए मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो मुझे अस्पताल से भी निकाल दिया। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, मैं समझाऊंगी उसे। तुम अभी जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। अली से बेटे भाई को पानी लाके दो। मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूं, आपने कुछ नहीं खाया? नहीं, जैसे इंसान को तो जहर दे देना चाहिए जिसके घर वाले उससे नफरत करते हैं। सब ठीक हो गया।
इसे डिस्टर्ब नहीं करना, इसके लिए नींद बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है मैं इसे डिस्टर्ब करूंगी? मैं जितना कह रहा हूं उसका ख्याल रखना बस। लगता है अब मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अरबाज ने जो मंजर देखा है उसके बाद वो मुझे तलाक तो दे ही देगा, और दोनों भाइयों में क्लैश भी हो चुका है, और ये तो चाहती थी मैं। रकम भी मेरे हाथ आ गई है, अगर शहबाज और कुछ ना भी दे तो चलेगा, मगर मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी इसे। अगर मलिया सब कुछ जान ले, इससे तलाक ले ले, तो मेरे लिए मैदान साफ होगा। जिस तरह उसने मुझे ठुकराया था उसी तरह दोबारा अपनाएगा। बेटा तुम सोई नहीं अभी तक? शहबाज फोन ही नहीं उठा रहे। तुम्हें पता है ना कि वो हॉस्पिटल गया है, अब वहाँ इमरजेंसी में किस तरह तुम्हारी कॉल रिसीव कर सकते हैं? मुझे फिक्र हो रही है, मुझे भी साथ जाना चाहिए था। बेटा वो मुनासिब नहीं समझता होगा ना, इसीलिए तुम्हें नहीं लेकर गया। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें थोड़ी देर में खुद कॉल कर लेगा। डैडी सो गए? चेकअप कब है उनका? नेक्स्ट वीक। ठीक है, फिर उनके चेकअप के फौरन बाद में चली जाऊंगी। बेटा बुरी बात है, शहबाज तुम्हारा शोहर है, इस वक्त तुम्हारी जरूरत है उसे। बस अगर वो तुम्हें फोन करके आने को कहे तो तुम फौरन चली जाओ। क्यों, डैडी को भी तो मेरी जरूरत है ना। बेटा मैं हूँ ना तुम्हारे डैडी के पास, वैसे भी ये तुम्हारी जिंदगी का मामला है, तुम्हारे डैडी को पता चलेगा तो वो खफा होंगे। चल के सो जाओ, बहुत देर हो गई है, रात हो गई है। हाँ इस वक्त क्या कर रही हो मेरे कमरे में? क्या हो क्या? खैरियत मालूम करने आए थे, परेशान तो तुम भी होगे। सोचा तुम्हारी भाई की तरह तुमने भी बेड ना संभाल लिया। वैसे बहुत इमोशनली वीक है तुम्हारा भाई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है फजूल औरत। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। वैसे तुम्हारे मुंह से गाली भी फूल की तरह लगती है। सोच रही थी आज तो तुम भी अकेले हो, अरबाज भी ऐसे घिरा पड़ा है, तो तुमसे ज्यादा घटिया औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मेरा दिल चाहता है तुम्हारी जान ले। दिलो जान तो कब से तुम पे आ चुकी है। बकवास बंद करो अपनी और निकलो मेरे कमरे से, अभी इसी वक्त निकलो। गेट आउट।
अब वालेकुम सलाम, आज आपने कैसे कॉल उठा ली? वो राफिया बाजी नीचे अम्मी के पास गई हैं, आप थोड़ी देर बाद कॉल कर लें। अब आपसे चंद सेकंड बात हो सकती है? मुझसे? जी बिल्कुल। मुझसे क्या बात करनी है? हम कोई पहली बार तो नहीं बात कर रहे हैं, पहले भी बात कर चुके हैं, मिल चुके हैं। कहें क्या कहना है? अब आप इतनी फॉर्मल तो ना हो, इस तरह तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो भी नहीं कह सकूंगा। अली से राफी भाई जी, आपके भाई का फोन है। कैसे हो हारिस? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, फिलहाल यहीं रहना है, बस दिल लगाने की कोशिश कर रही। आप इस तरह क्यों बोल रही हैं? कोई तकलीफ है क्या आपको यहाँ पर? प्रॉब्लम कोई नहीं है हारिस, बस आप ही की मुझे समझ नहीं आती। इतने अच्छे ससुराल वाले मिले, फिर भी आप ही ने, तुम्हें पता है कल क्या किया?